देखिए मखाना कैसे बनता है। मखाना बनाने का ये तरीका देखकर दंग रह जाएंगे आप। दोस्तों, बात चाहे सेहत की हो या फिर स्वाद की, मखाना हर चीज में फिट बैठता है। लेकिन जब इसके बनने की बारी आती है तो लोगों के मन में अक्सर ये सवाल गूंजता है कि आखिर दूध की तरह सफेद दिखने वाले ये नरम मखाने किस तरह बनकर तैयार होते हैं। क्या इन्हें जमीन से उगाया जाता है या फिर इन्हें पेड़ों से तोड़कर हम तक पहुंचाया जाता है। इसलिए आज हम आपको बताएंगे आखिर ये मखाने किस तरह बनकर तैयार होते हैं। इसकी खेती से लेकर मखाने के तैयार होने तक हर एक प्रोसेस के बारे में वीडियो में बताया गया है। बस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। और जब तक हम वीडियो शुरू करते हैं, तब तक कमेंट में ये बताना ना भूलें कि आपको किस तरह मखाना पसंद आता है, रोस्ट करके या फिर दूध में डालकर। सबसे पहले तो हम आपको बता दें, मखाने की खेती किसी जमीन या खेत वगैरह पर नहीं होती, बल्कि इसे तालाब में उगाया जाता है। मखाने की बुआई से पहले अक्टूबर नवंबर के महीने में तालाब से जलकुंभी और दूसरे खरपतवार को निकाला जाता है और फिर दिसंबर से जनवरी महीने तक कुछ इस तरह मखाने के बीज डालकर उनकी बुआई होती है। मखाने के जो बीज होते हैं वो कुछ इस प्रकार से दिखते हैं, जो दिखने में काफी हद तक छोटे छोटे साइज के जामुन की तरह नजर आते हैं। मखाने की बुआई के कुछ दिन बीत जाने के बाद जनवरी से फरवरी महीने के बीच इसके छोटे छोटे पत्ते निकलने शुरू हो जाते हैं और अप्रैल से मई महीने तक पूरा तालाब गोलाकार और कांटेदार पत्तों से भरा जाता है, जो कुछ इस प्रकार दिखाई देते हैं। साथ ही साथ इसके जड़ भी काफी रेशेदार और लंबे हो जाते हैं, जो तालाब में नीचे तलहटी पर चले जाते हैं। अब इसके बाद अप्रैल महीने के अंत में इसके छोटे छोटे फूल आना शुरू हो जाते हैं और मई महीने तक ये फूल काफी बड़ी संख्या में देखने को मिलते हैं। इन फूलों का रंग पर्पल यानी कि बैंगनी होता है, जो दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होते हैं और कई महीनों के अंत तक फल भी आना शुरू हो जाते हैं। आपको बता दें, मखाने का जो फल होता है वो स्पंजी तो होता है, लेकिन उसके ऊपरी भाग में कांटे भी मौजूद होते हैं, जो काफी नुकीले होते हैं। अगर हम इस चीज के बीज की बात करें तो एक फल में करीब 70 से लेकर 110 बीज होते हैं। ये बीज आगे चलकर मखाना बनाने वाले हैं। जुलाई के महीने तक मखाने का फल तैयार हो चुका होता है, इसलिए पानी के अंदर ही फटने लगते हैं, जिसके कारण इसका बीज पानी पर तैरने लगता है और जो बीज होता है उसके ऊपर हल्के गुलाबी रंग का कुछ इस प्रकार का कवर होता है। और जब एक दो दिन बाद गुलाबी रंग का ये कवर गल जाने के बाद सफेद हो जाता है, तब ये बीज तालाब के अंदर तलहटी पर बैठ जाता है। दोस्तों, अगस्त से सितंबर महीने के बीच मखाने के जो पत्ते होते हैं वो भी गलना शुरू कर देते हैं। इसी वजह से तालाब से पत्तों की सफाई करनी पड़ती है और मखाने का जो बीज पानी के अंदर बैठ गया था, अब उसे बाहर निकालने की बारी आती है, जिसके लिए किसान लकड़ी से बनी इस बड़ी सी छलनी नुमा टोकरी, जिसे लोकल भाषा में लोग गांज कहते हैं, उसकी मदद से ये लोग कुछ इस प्रकार पानी के अंदर से मखाने के बीज को निकालते हैं। और वाकई में दोस्तों, पानी के अंदर जाकर इस काम को करना कोई आसान बात तो है नहीं। हमारे किसान भाई बड़ी मेहनत के साथ मखाने के बीज पानी से निकालते हैं। सारा बीज निकल चुका है तो कुछ इस तरह पैरों से इसे मसल कर इसकी अच्छी तरह से सफाई की जाती है, ताकि बीज के जो ऊपर का कवर है वो पूरी तरह से निकल जाए। और फिर इन बीजों को पानी से साफ कर लिया जाता है और सफाई के बाद इन्हें बड़ी बड़ी बोरियों में भरकर अगले प्रोसेस के लिए तैयार कर दिया जाता है। इसके लिए सबसे पहले तो मखाने के इन बीजों को धूप में अच्छी तरह से सुखा लेते हैं और फिर खास प्रकार की छलनी से छान कर अलग अलग आकार के बीजों को एक दूसरे से अलग किया जाता है, जिसके बाद इन बीजों को अच्छी तरह से फैलाकर धूप में सुखाया जाता है, ताकि इसका रंग काले से बदलकर गहरे लाल रंग में आ सके। और फिर इन बीजों को उसी दिन मिट्टी की कढ़ाई में बिना बालू के भुना जाता है। भुनाई के बाद इन बीजों को टोकरियों में ठंडी छायादार जमीन पर कुछ दिनों तक रख दिया जाता है, ताकि बीज के जो कड़े छिलके और अंदर का मुलायम लावा ढीला पड़ जाता है। और फिर थोड़ा थोड़ा करके इन सभी चीजों को कढ़ाई में अच्छी तरह से भून लेते हैं। आपको बता दें, इन बीजों को भूनने के लिए 4 मिट्टी की और 1 लोहे की कढ़ाई की जरूरत पड़ती है। मखानों को भूनते समय लोहे की कढ़ाई से बीज के द्वारा फट फट की आवाज आने पर इन बीजों को कढ़ाई से निकालकर लकड़ी के पीने पर रख कर लकड़ी से बने थापी से मारकर फोड़ा जाता है, ताकि छिलका टूटकर अलग हो जाए और काफी गर्म होने के कारण बीज लावा के रूप में फूटकर बाहर की ओर चिपक जाता है और यही लावा मखाने के रूप में हम देखते हैं यानी खाते हैं।
पर दोस्तों काम यहीं पर खत्म नहीं होता, क्योंकि अब मखाने की पॉलिशिंग और छिलके को इसी पूरी तरह से अलग करने के लिए कुछ इस प्रकार की मशीन में लावा डाला जाता है, जिससे निकलने के बाद एकदम दूध की तरह सफेद मखाना तैयार हो जाता है, जिन्हें पैकेट में हमारे घरों तक पहुंचाने के लिए तैयार कर दिया जाता है, ताकि इन्हें खाकर हम अपनी सेहत को कई गुना बेहतर बना सके। दोस्तों आप ये तो जान चुके हैं कि आखिर मखाने किस तरह बनकर तैयार होते हैं, लेकिन आखिर वो क्या कारण है जिसकी वजह से किसान इतने मेहनत करके मखाने को हम तक पहुंचाते हैं और लोग इन्हें महंगे महंगे दामों में खरीदते हैं। तो दोस्तों इसका सीधा सा जवाब ये है कि मखाने सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होते हैं, जिसे नॉर्मली लोग ज्यादा सीरियसली नहीं लेते। पर दोस्तों इस हल्के फुल्के ड्राई फ्रूट के बहुत ही भारी भरकम फायदे होते हैं, जिसे जानने के बाद आप इन्हें रोज की डाइट में शामिल करने पर मजबूर हो जाएंगे। सबसे पहली चीज तो मखाने के 4 दानों का सेवन करके हम शुगर जैसी खतरनाक बीमारी से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो इससे शरीर में इंसुलिन बनने लगता है, जो शुगर की मात्रा होती है वो कम हो जाती है। हम सभी जानते हैं कि आजकल डायबिटीज एक बहुत बड़ी समस्या बनकर रह गई है, लोग इसकी वजह से काफी परेशान रहते हैं, उनका शरीर बिगड़ना शुरू हो जाता है। डायबिटीज में अगर इंसान को कोई छोटी सी भी बीमारी हो जाती है तो वो काफी लंबे समय तक परेशान करती है, और इस कंडीशन में मखाना बड़ा फायदेमंद है। ऐसे में अगर आप नियमित समय से मखाने का सेवन करते हैं तो धीरे धीरे शुगर का ये रोग मखाने खाने से खत्म हो जाता है। अब अगर हम मखाने के दूसरे फायदे के बारे में बात करें तो दोस्तों ये हमारे दिल के लिए बड़ा फायदेमंद है। यहाँ तक नियमित रूप से मखाना खाने से दिल से जुड़ी बीमारियां तो ठीक हो ही जाती हैं, साथ ही साथ हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारियों में मखाना काफी बढ़िया माना जाता है। मखाने का सेवन करने से दिल स्वस्थ रहता है और पाचन क्रिया भी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम करती है। और दोस्तों मखाना खाने का जो अगला फायदा है वो भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि इससे तनाव दूर होता है। जिन लोगों को अनिद्रा यानी नींद ना आने की समस्या है वो भी मखाने के सेवन से काफी हद तक कम हो जाती है। बस इसके लिए आपको रात को सोने से पहले दूध के साथ मखानों का सेवन करना है और कुछ ही दिनों में आपको अपने तनाव और अनिद्रा में फर्क देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं उन लोगों की जो दिन भर काम करते हैं और उनके हाथों पैरों में हमेशा दर्द बना रहता है। कई बार ज्यादा उम्र बढ़ने की वजह से इस तरह की समस्याएं हो जाती है, कई बार कैल्शियम की कमी से ऐसा देखने को मिलता है। तो दोस्तों मखाने के अंदर कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है, इनका सेवन जोड़ों के दर्द गठिया जैसे मरीजों के लिए काफी फायदेमंद है। बाकी अगर मखानों के अगले फायदे की बात करें तो पाचन में काफी मददगार है। असल में मखाना एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, जो सभी आयु वर्ग के लोगों को यानी कि सभी उम्र के लोगों को आसानी से पच जाता है। इसके अलावा मखाना दस्त वगैरह में काफी राहत पहुंचाता है। अगर आप रेगुलर बेसिस पर मखाना खाना शुरू कर देंगे इससे आपकी भूख में भी सुधार हो जाएगा। दोस्तों अगर मखाने के सबसे बेहतरीन फायदे के बारे में बात करें ना, तो ये हमारी किडनी को मजबूत बनाता है, क्योंकि आप माने या ना माने हमारी किडनी बॉडी के लिए बड़ी जरूरी है, जो हमें स्वस्थ बनाए रखने में मदद करती है। ऐसे में अगर किडनी में प्रॉब्लम हो जाएगी तो भला बॉडी कैसे चल पाएगी। इसलिए अगर आप स्वस्थ बने रहना चाहते हैं और अपनी किडनी को मजबूत बनाना चाहते हैं तो मखाने का सेवन जरूर करें। दोस्तों हमने आपको मखाने के फायदे के बारे में बता दिया, ये किस तरह हमारे शरीर को बेहतर बनाए रखते हैं, लेकिन अब यहाँ सवाल आता है आखिर मखाने का सेवन किस तरह से किया जाए। तो दोस्तों या तो आप सुबह खाली पेट 4 मखाने खाएं, या कुछ ही दिनों में आपको फर्क लगेगा, या फिर आप दूध के साथ मखाने का सेवन रात के समय में कर सकते हैं। वैसे तो मखाना किसी भी समय खाना गलत नहीं होगा, लेकिन अगर सही समय की बात करें तो सुबह उठने के बाद या फिर रात को सोने से पहले इसका सेवन सबसे ज्यादा फायदेमंद रहता है। तो दोस्तों उम्मीद है इस वीडियो में आपको काफी कुछ जानने का मौका मिला होगा। अब इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा, और ऐसे वीडियोज देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर देना। धन्यवाद। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।